दोस्तों यहाँ पर जो आप होम थिएटर देख रहे हैं ये बिल्कुल इसी कंडीशन में मेरे पास आया है। यहाँ पर इसका जो अंदर बूफर लगा रहता है स्पीकर, वो भी इस तरीके से यहाँ पर खुला हुआ था। इसमें वायरिंग वगैरह तोड़ी गई है और यहाँ पर इसमें ना तो कोई स्क्रू था बिल्कुल, ये भी इसकी भी बहुत सारी वायरिंग टूटी गई है। और साथ में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फ्रंट पैनल, ये भी इस तरीके से तोड़ा गया है। तो यहाँ पर अब हमें इसको रिपेयर करना है। इसका पूरा तरीका आपको बता दूंगा, वायरिंग का भी पूरा आपको बता दूंगा। अगर आपके पास ऐसा होम थिएटर है और यहाँ पर आपको वायरिंग का कोई भी आइडिया नहीं है तो घर पे ही आप इसको रिपेयर कर सकते हैं और घर पे ही आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, तभी जाके आप वायरिंग अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। वीडियो का लाइक हम रखते हैं मात्र 600 लाइक्स का, आई होप कि आप लोग ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसके यहाँ पर जो इसका कवर खोला गया है, यानी कि पीछे का ढक्कन खोला गया है जहाँ पे पूरा हमारा सिस्टम रहता है, उसको हमने पहले अलग करना है। उससे पहले यहाँ पर फ्रंट पैनल को अलग करने के लिए यहाँ पर एक कनेक्टर दिया गया है, इसको हम अलग कर लेते हैं ताकि यहाँ पर अदर कोई वायरिंग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, सबसे पहले यहीं का हम काम करेंगे और इसे हम फिक्स करेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें कई चीज़ें पता नहीं होती है कि भाई सेम कनेक्टर होते हैं, इधर उधर आप उसमें कनेक्टर को इधर उधर आप लगा लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ही बढ़िया मेथड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर कनेक्टर को हटाना है। इस होम थिएटर को मैंने बहुत पहले रिपेयर किया था तो वहाँ पर कस्टमर ने अपना इसमें छेड़ाखानी करी और वायरिंग तोड़ के लेके आ गया भाई। अब हो सकता है इसमें कोई और प्रॉब्लम भी हो, फिलहाल इसमें जो है वायरिंग बिल्कुल फिक्स करनी है और आउटपुट चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसको रिपेयर करा था तो कनेक्टर के ऊपर नंबर लिखे हुए थे। देखिए दो नंबर का कनेक्टर है, उसके ऊपर भी दो लिखा हुआ था लेकिन इसके ऊपर नहीं है। अब कस्टमर ने क्या किया, जब इसको खोला और रिपेयर मतलब अपना छेड़ाखानी करने की कोशिश करी तो वहाँ पर उससे गलत लग गया। भाई दो नंबर का कनेक्टर है तो इसके ऊपर भी दो लिखा हुआ होना चाहिए था, तो यहाँ पर उन्होंने इधर इसको फिक्स कर दिया गलती से। देखिए इस कनेक्टर को वहाँ पर फिक्स कर दिया, तो ये जो दो नंबर का है उसके साथ में जो लगना है उसके ऊपर भी दो नंबर मैंने लिखा हुआ है, ताकि जो भी भाई हम तो रिपेयर करते ही हैं, कस्टमर अगर घर पर भी इसे खोलता है तो उसे भी आसानी से वो रिपेयर मतलब फिक्स कर सके, इसलिए मैं इसके ऊपर नंबर मेंशन करता हूँ। और जो नया सीख रहे हैं, जो कारीगर हैं, उनके लिए भी ये परफेक्ट मेथड रहेगा। जब खोलते हैं तो आप फिक्स उसी जगह पे करें, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे रहे हैं। और इस कनेक्टर के ऊपर मैंने कितना नंबर लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है, तो इसके साथ में यानी कि ये जिस जगह पे ये लगेगा उस पॉइंट में भी तीन लिखा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उससे पहले आपको यहाँ पर ये जो वायरिंग है उसको मैं हटा के दिखा देता हूँ। यानी कि ट्रांसफॉर्मर को यहाँ से मैं पहले डिसकनेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको दिखाता हूँ, ठीक है, वरना ये पीसीबी हमारा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मर को भी डिसकनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रांसफॉर्मर के से जो है 12012 निकलती है इधर के लिए, तो उन्होंने कैसे कराया देखिए कस्टमर के द्वारा, ये देखिए यहाँ लगने के बजाय एक पिन बाहर छोड़ दी, इस तरीके से लगा दिया। मुझे तो लगता है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, फिर भी हम चेक करेंगे। सारे कनेक्टर हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें पूरा इसमें काम करना होगा। अब पूरी वायरिंग करने से पहले यहाँ पर सभी चीज़ों को चेक करना होगा, यानी कि स्पीकर को चेक करना होगा, इसकी किट को चेक करना होगा, यहाँ पर सारी आईसी ओके हैं, ये सब हमें चेक करना होगा। उससे पहले यहाँ पर हम स्पीकर को चेक करेंगे, तो यहाँ पर स्पीकर में एक मिनट, तो स्पीकर यहाँ बिल्कुल ओके है, ठीक है, स्पीकर को रखते हम साइड पर। अब यहाँ पर इस किट को चेक करेंगे कि इस किट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है या फिर कुछ आउटपुट आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, यानी कि इसमें हम पहले 12012 यहाँ पर दे देंगे और स्पीकर के जो ये वायर निकल रहे हैं, यहाँ से स्पीकर हमारा निकलता है, ठीक है, और उसके वायर यहाँ पर टूटे हुए हैं तो इसके वायर के पॉइंट हम जोड़ लेंगे, एक यहाँ पर लग जाएगा, एक इसके जस्ट बगल में, और नीचे का ग्राउंड वहाँ पर अटैच्ड है, बाकी यहाँ पर लेफ्ट राइट यहाँ पर लग जाएंगे। चलिए मैं इनको जोड़ लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं इसको चेक कर लूँगा। तो यहाँ पर स्पीकर के वायर जो टूटे थे, यानी कि आउटपुट के जो वायर टूटे थे, उसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 12012 दे दूँगा। अभी पहले यहाँ पर ट्रांसफार्मर आउटपुट कितना कर रहा है ये ज़रूर देखना है, भाई ट्रांसफार्मर फूका तो नहीं है, ये सब कंफर्म करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं ट्रांसफार्मर को यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, ठीक है, जोड़ लिया है। वैसे ट्रांसफार्मर हमिंग तो कर रहा है लेकिन जानना भी ज़रूरी है भाई कितना आउटपुट यह कर रहा है। एसी में आउटपुट करता है, यानी कि यहाँ पर शो करेगा जो भी करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं ये, और बीच में जीरो में, एक मिनट, ये देखिए
यानी कि 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, बिल्कुल ओके है। अब इस तरफ का देखते हैं, 12.0.12 कर रहा है, ये ज़रूर देखना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर भाई क्यों नहीं बता रहा है, एक मिनट, ऐसे करके शायद अब बता देगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, 12.0.12 आउटपुट कर रहा है, इससे मतलब ट्रांसफॉर्म हमारा ओके है। अब मैं इसको यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, पहले मैं बंद कर लेता हूँ मैं स्विच, तो ठीक है स्विच बंद कर लिया, अब इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर इसको लगाने के बाद अब क्या करना है, इस बूफर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, जहाँ पर बूफर का पॉइंट दिया गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है WOOFER, यानी कि बूफर, यानी कि इस स्पीकर को हमने इस जगह पे कनेक्ट करना है, और यहाँ पर स्पीकर जो आउटपुट आपका निकल रहा है उसको यहाँ पर जोड़ लेना है आउटपुट पे, ठीक है। यानी कि इस तरफ को है, ये कनेक्टर भी इन्होंने गलत लगा रखा है, आउटपुट की जगह इनपुट, इनपुट की जगह आउटपुट, टूटा होगा तो इन्होंने पलट दिया, ठीक है, ये गलत कनेक्शन हो, इसको भी हटा के हम बाद में फिक्स कर लेंगे, फिलहाल यहाँ पर हमने ये जोड़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आईसी को चेक करना है, आईसी ख़राब तो नहीं, इसमें हमिंग आ रही है वो ज़रूर चेक करना है। हमिंग कैसे आती है देखिए, ऑडियो इनपुट में आप उंगली रखते हैं तो आपके यहाँ पर स्पीकर में कुछ ना कुछ आउटपुट सुनाई देता है, यानी कि कुछ हमिंग आपको सुनाई देती है, इससे आप आईसी का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको तो मैंने कनेक्ट एक पॉइंट में करा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कौन सी आईसी है पता करना है, यानी कि इस सिग्नल की मतलब इस चैनल की कौन सी आईसी है ये पता करने के लिए आप उंगली टच कीजिए किसी भी आईसी में, जिस तरफ से आपको हम जिस आईसी में टच करने पर आपको हमिंग आती है समझ लीजिए वो उस चैनल की वो आईसी है, ठीक है। सही रहेगी तो हमिंग देगी, वरना वो कुछ भी नहीं देगा। देखिए ये आपका बूफर पे हमिंग दे रहा है, आपको सुनाने की मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए, जब जब मैं इस आईसी पे टच करता हूँ तो यहाँ पर बूफर हमारा हमिंग मार रहा है, यानी कि ये बूफर्स की आईसी है, यानी कि इससे बूफर हमारा मैनेज होता है। अब दूसरे वाले को टच करते हैं, कोई भी हमिंग नहीं आ रही, हाँ इसको टच करके स्पीकर पे हमिंग आ रही, तो मतलब ये चैनल की ये वाली आईसी है, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, इससे ये आइडिया लगता है कि भाई आपकी आईसी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर ऑडियो इनपुट ले रही है, ऑडियो इनपुट लेते समय वो उंगली टच करने में हमिंग देती है, इस पर नहीं देगी क्योंकि अभी हमने चैनल चेंज करना है, ठीक है। इसको हम रखते हैं दूसरे चैनल पे, अब देखिए ये हमिंग देगा, देखा आपने, ये हमिंग दे रहा है, इसका मतलब हमारी तीनों आईसी ठीक है, बस इसकी वायरिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब इसकी वायरिंग का थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, एक बार इसमें मैं सारे के सारे प्लग आउटपुट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका वायरिंग का बहुत ही सिंपल मेथड है, तो यहाँ पर आप इसकी वायरिंग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्टर है इसमें आउटपुट लिखा है, यानी कि आपका यहाँ से स्पीकर के लिए आउटपुट होगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे वो प्लग लगेगा जो आपका ये कनेक्टर से कनेक्टेड है, यानी कि जहाँ से आप स्पीकर आउटपुट ले रहे हैं वहाँ पर ये जो कनेक्टर है वो लगेगा आउटपुट पे, ठीक है, स्पीकर वाला। बाकी यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं कनेक्टर, ये आपका ऑडियो का इनपुट का है, यानी कि जो आप सिग्नल इनपुट दे रहे हैं ये ब्लूटूथ कार्ड से, जो आप इसमें ब्लूटूथ कार्ड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप इसमें देंगे लेफ्ट और राइट का, ये आपका किस करेगा लेफ्ट और राइट का। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसके प्रिंट को हम ट्रैक करेंगे, ग्राउंड का तो यहाँ से मिल जाता है, अदर कनेक्टर से मिल जाता है, और यहाँ से लेफ्ट राइट दिया है, इसको जस्ट मैं उल्टा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसके दो पॉइंट ये हैं, यानी कि इसके दो पॉइंट हैं आपका ये, इसकी जो आप इसको अच्छी तरीके से ट्रैक करेंगे तो ये कहाँ तक जा रहा है आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने दो तीन दिन पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, एक मिनट, वो कनेक्टर कौन से थे, वो कनेक्टर था आपका ये वाला, यानी कि ये दोनों, ठीक है, ये जो जा रहा है आपका यहाँ से होते यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से होते इधर जा रहा है, तो इस आईसी के जो फर्स्ट नंबर की पिन है वो इससे कनेक्टेड रहती है, इस कनेक्टर से, मतलब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था ना ऑडियो इनपुट के पास में एक कैपेसिटर लगा रहता है, तो ये जो आपका कनेक्टर का ये पॉइंट है ये इस आईसी के AUX का, यानी कि इस आईसी को सिग्नल दे रहा है, और दूसरा वाला है आपका यहाँ से आपका जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये देखिए ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है और इस आईसी के फर्स्ट नंबर की लेग पे जा रहा है, यानी कि इसको यह सिग्नल दे रहा है, यानी कि जो आप ब्लूटूथ इसमें कार्ड लगाते हैं उसमें लेफ्ट और राइट को आप इधर पे जोड़ लो, ठीक है, लेफ्ट राइट को इधर पे जोड़ लो, और ग्राउंड को आप बॉडी पे जोड़ सकते हो, यानी कि ये बाहर बाहर की पट्टी पे इसको ग्राउंड को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप समझ गए ये स्पीकर का है, ये ऑडियो इनपुट का है, और यहाँ पर जो आप ये कनेक्टर देख रहे हैं, ठीक है, ये कनेक्टर में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इससे 12 वोल्ट मिलता है किसको,
इस पैनल को, यानी कि इस कनेक्टर से 12 वोल्ट कनेक्टर के थ्रू जाता है इस पैनल को, और इसमें एक 3805 IC लगी रहती है जो 5 वोल्ट बना के इस ब्लूटूथ या फिर इस ब्लूटूथ को मैनेज करती है। तो एक बार आपको इस कनेक्टर का भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट नंबर की पिन को हम ट्रैक करेंगे। इस कनेक्टर के फर्स्ट नंबर की पिन को आप ट्रैक कीजिए तो आपको देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा हुआ है, हाँ एक जम्पर यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं जम्पर लगा है, और वो जम्पर आपका कहाँ तक जा रहा है, इस ये जो मेन कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी कि इस कनेक्टर के इस पॉइंट में 12 वोल्ट आपको मिल रहा है, और बाकी जो दो हैं उसको आप छोड़ दीजिएगा, बाकी के ये दोनों हैं छोड़ दीजिएगा, वैसे इसमें कनेक्टर लगा रहता है तो उसको कनेक्टर को ही लगा दीजिएगा। 12 वोल्ट यहाँ से आपको मिलता है, ग्राउंड आपको जो उधर ग्राउंड मिलता है वो यहीं से चला जाता है, इन कनेक्टर के माध्यम से ग्राउंड आपका फ्रंट पैनल को चला जाता है। फिलहाल मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। इस कनेक्टर की बात करते हैं, यानी कि जो दो पॉइंट हैं, ये जो बूफर का जो स्पीकर लगा रहता है, बड़ा वाला स्पीकर आपने देखा होगा सामने यहाँ पर देख रहे हैं, इसके लिए ये कनेक्टर लगा हुआ है वूफर, और ये जो है आपका ये बेस के बेस में जो वॉल्यूम लगता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये कनेक्टर दिया गया है, यानी कि सब वूफर को जो कंट्रोल करता है, यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर आप लगाते हैं यानी कि जो कनेक्टर आप लगाते हैं उसके ऊपर जो पोटेंशियोमीटर लगा रहता है वो इसको मैनेज करता है, ठीक है। अब इसमें हमने सिंपल सी कनेक्टर जोड़ने हैं तो आपको सीरियल से बताता हूँ आपको। सबसे पहले बेस के स्पीकर को मैं वहाँ पर फिट कर लूँगा जहाँ से ये निकाला गया है, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर इसकी हम वायरिंग करते हैं, बेस के स्पीकर को कनेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं 12012 जो कि ट्रांसफार्मर से हमारा आ रहा है, उसको कनेक्टर को यहाँ पर लगा लेना है, और नेक्स्ट यहाँ पर आउटपुट के साथ ये अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्टर का भी कनेक्शन हो चुका है, और बाकी हमने जो बेस का स्पीकर है उसको लगा लेना है यहाँ पर, वूफर जहाँ पर लिखा हुआ ना वूफर, यानी कि आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो वूफर लिखा हुआ है वहाँ पर हमने बेस के स्पीकर के कनेक्टर को जोड़ लेना है यहाँ पर जस्ट, ठीक है, ये भी हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर जो है बेस को कंट्रोल करने वाला जो स्विच आ रहा है उसका जो वायरिंग है, यानी कि उसका जो कनेक्टर है वो कौन सा है, उसमें मैंने कितना लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 2 नंबर, यानी कि ये है, ये आपका बेस के स्विच से आ रहा है, उसको आपने जोड़ लेना है यहाँ पर इधर पे, और इस कनेक्टर को आपने जोड़ना है कहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर देखिए ये 12 वोल्ट उस पैनल के लिए जा रहा है तो यहाँ पर आप इसे जोड़ लेना है आपने। अब यहाँ पर एक इस चीज़ के लिए है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और बताना भूल गया, ये जो कनेक्टर है ये तो आपका इनपुट का है ही, इसके साथ में इनपुट के लिए यहाँ पर ये जो कनेक्टर आपको मैंने बताया था ना जहाँ से 12 वोल्ट जा रहा है, इसको मैं पहले हटा दूँ, यहाँ से जो 12 वोल्ट जा रहा है आपका इस कनेक्टर के माध्यम से आगे पैनल को, तो इसमें जो दो एक्स्ट्रा वायर है उसका मैंने बताना भूल गया, तो वो वायर ऑडियो यानी कि AUX वाली ही है। यहाँ पर ये जो दो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ये और ये दोनों एक ही है, तो यहाँ से ऑडियो इनपुट हो रही है, ठीक है, ये जा रहा है आपका जस्ट पैनल तक। तो यहाँ पर एक और हमारा कनेक्टर बचा है ये वाला, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इधर लगेगा जो कि आप AUX के माध्यम से अलग से यहाँ पर लगा के, यहाँ पे AUX लगा के ऑडियो इनपुट करा सकते हैं, कोई भी मोबाइल वगैरह से चला सकते हैं, ठीक है। फाइनली ये कनेक्शन हो चुका है, अब आगे पैनल की बात करेंगे। यहाँ पर इस पैनल को इस कनेक्टर के साथ अब हम जोड़ेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ हमने जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए फाइनली ये चालू हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पर जो आपको ये वायर दिख रही है, जब यहाँ पर एक छोटा सा कार्ड था इस जगह पे, उसको हटाने के बाद वायरिंग की गई थी, तो ये जो फालतू के वायर है इसको हमने कट कर लिया था और यहीं से हमने इसको कनेक्ट कर लिया था, तो इन तीनों वायर को अलग कर लेना है और इसको भी अलग कर लेना है। अब इसमें जो वायरिंग हो चुकी है ये कनेक्टर के माध्यम से पूरा कनेक्ट हो चुका है, अब यहाँ पर ब्लूटूथ चालू हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर अलग से हमें अगर ब्लूटूथ देना हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए अलग से अगर आपने ब्लूटूथ देना हो तो उसमें आपने क्या करना है आपको वो भी मैं बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ फिर आपको बताऊँगा। ब्लूटूथ में आपने 5 वोल्ट देनी है, यानी कि इस कनेक्टर में, यानी कि जो ये कनेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इस कनेक्टर के सबसे लास्ट वाले में 12 वोल्ट मिलता है, ठीक है, 12 वोल्ट मिलता है, और इसकी बॉडी से आप ग्राउंड यानी कि ये जो ग्राउंड है यहाँ से आप ग्राउंड ले लीजिए और यहाँ से 12 वोल्ट ले लीजिए, 12 वोल्ट और ग्राउंड आपको मिल गया, 3805 लगा के उसको 5 वोल्ट बना लो और ब्लूटूथ कार्ड को आप 5 वोल्ट दे दो। बात रही ऑडियो इनपुट की, ब्लूटूथ कार्ड से ऑडियो के लिए 3 निकलते, ग्राउंड का रहता है, एक ऑडियो लेफ्ट और एक ऑडियो राइट का,
ऑडियो लेफ्ट राइट को आप इन दोनों पे दे दो, या फिर इन दोनों पे यहाँ पर दे दो, या फिर यहाँ पर भी दे दोगे तो भी काम चल जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये भी ऑडियो इनपुट के लिए है। और ग्राउंड को आप ग्राउंड से अटैच कर दो, ग्राउंड का पूरा जो बॉडी का बाहर का हिस्सा है पूरा ग्राउंड का ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आप ब्लूटूथ पैनल का यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पर बाद में इसको स्क्रू वगैरह लगा के पैक कर लूँगा, फिलहाल यहाँ पर एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। अभी भी सही है या फिर ख़राब है टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ब्लूटूथ को मैं ऑन कर लेता हूँ। ब्लूटूथ का कौन सा है? हाँ, ये ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। तो चलिए मैं एक बार कनेक्ट करके आपको सुनाता हूँ इसका ऑडियो। तो इससे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, अब आपको इसका ऑडियो सुनाता हूँ। चलिए वॉल्यूम बढ़ाते हैं इसका। ये बेस है, ये वॉल्यूम है। अभी हमने बेस बहुत कम किया है, पहले आपको इसके दोनों चैनल का वॉल्यूम सुना देता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी इस चैनल का वॉल्यूम चल रहा है इसका। अब चैनल चेंज करता हूँ, देखिए दूसरे चैनल पर भी आवाज़ आ रही है। अब बात करता हूँ इसके बेस की, चलिए इसको हटा दिया, बेस सुनाता हूँ आपको। अब इसका बेस का स्पीकर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसको हटा देता हूँ, सिर्फ बेस अभी आपको दिखाता हूँ। पूरा यहाँ पर हिल रहा होगा, वो देख सकते हैं आप इसके नीचे। और बढ़ाता हूँ, पूरा हिल रहा है, देखिए। इसमें कुछ चीज़ डाल के आपको दिखाता हूँ। ओहो, उछल गया। तो इसका साउंड और इसका बेस आपने सुन लिया होगा। तो इस तरीके से आप इसके कनेक्टर्स लगा सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस जैसे ऑडियो इनपुट में आपको मैंने हमिंग का सबसे पहले बताया था ना, अगर कोई भी आईसी में उंगली टच करने पर आपको चैनल पे हमिंग नहीं सुनाई देती है या फिर कुछ ऐसी आवाज़ें नहीं सुनाई देती, समझ लीजिए आईसी ख़राब है। आईसी को चेक करने का कोई भी मेथड नहीं है, बस यही सबसे बेस्ट मेथड है। वरना रीडिंग सभी आईसी में आप सेम चेक करेंगे तो वैसी ही रीडिंग आती है, ज़्यादा कोई खास उसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ये मेथड सबसे बेस्ट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अब बात रही इसके पावर को लगाने की, जो ट्रांसफार्मर के लिए दो वायर गए हैं, इसमें एक वायर को बटन से हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो इसका स्विच है इसको हम यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे स्विच में, ठीक है। चलिए वो भी बता देता हूँ। इस टाइप से एक वायर का प्लग आता है, ठीक है, वायर और प्लग साथ में आता है, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से और बढ़िया दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही लंबी इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर एक ऐसा हमें स्टॉपर टाइप का मिलता है, वो इधर पे है नहीं, तो यहाँ पर क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से निकाल के इसमें गांठ लगा लेनी है। सबसे पहले इसमें गांठ लगा लेनी है। दो और दूसरी बात क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास ग्लू गन हो तो ग्लू गन से इस होल को आपने किसी भी तरफ बंद कर देना है, वरना आपका जो बेस है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इसका जो जो बेस से जो एयर होता है यहाँ से लीकेज करेगा और बेस उतना प्रॉपर नहीं बच पाएगा। हाँ, बजेगा, अच्छी तरीके बजेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको बंद करना ज़रूरी है, ठीक है। इसको अपने इस तरीके से कर लें। बाकी जो दो वायर हैं इसको मैं चलिए छील के बताता हूँ। अब यहाँ पर स्विच देखिए, स्विच में पहले मैं ग्लू लगा थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ, सॉरी पेस्ट लगा लेता हूँ। अभी करना क्या है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर से दो वायर आपकी आई हुई है, बेसिक बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि इसे कनेक्शन कैसे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनके लिए ही है, बाकी वीडियो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर से दो वायर आई है, ये ब्लू वाली, ठीक है, ये ब्लू वाली। एक वायर को आप यहाँ पर कनेक्ट कर लो स्विच के एक छोर पर, और दूसरे वाले को आपने छोड़ लेना है ट्रांसफार्मर को। बाकी जो आपका मेन लीड से आ रखी है आपकी 220 वोल्ट जहाँ से आनी है, उसमें जो रेड कलर की वायर है वो आप स्विच के इस छोर में जोड़ लेना यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका कनेक्शन कर लेने हैं। और बाकी बची दो वायर, एक मेन लीड की और एक ट्रांसफार्मर की, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने से पहले चलिए एक बार यहाँ पर मैं हीट सिंक ट्यूब यहाँ पर लगा लेता हूँ, मतलब जो स्लीव रहती है हीट करके आपका सेट हो जाती है उसको लगा लेता हूँ। बाकी यहाँ पर इन दोनों को मैं कनेक्ट करके पहले इसमें सोल्डरिंग लगाऊंगा, फिर इसकी हीट सिंक ट्यूब को मैं यहाँ पर जोड़ लूँगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा के यहाँ पर इसको फिक्स कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और ये पक्का काम हमारा हो जाएगा। बाकी इसको थोड़ा सा खिसका के इधर पे आपने लाइटर वगैरह की मदद से आपने थोड़ा सा इसमें हीट करना है, तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाता है, मतलब जो आपका स्लीव रहती है हीट करके सेट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं भी स्पार्किंग या फिर कहीं भी ऐसा दिक्कत का कोई खतरा नहीं है। बस फाइनली हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसे स्क्रू वगैरह लगा के फिक्स करूँगा। लास्ट में यहाँ पर
थोड़ा सा ग्लू वगैरह लगा के इसको भी बंद कर दूँगा। और बाकी जो फ्रंट पैनल दिया गया है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बस के आप मेन इसको कनेक्टर को लगा के और यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। यहाँ पर आप भले ही थोड़ा सा आप फेविबॉन्ड वगैरह का इस्तेमाल करें या फिर फेविक्विक का इस्तेमाल करें, फेविक्विक से तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, बाद में आपको निकालना भी पड़ सकता है, इसलिए फेविबॉन्ड यहाँ पर इन दोनों इन छः पॉइंट्स में इनके लगा लेना है, ठीक है। तो उसके बाद लगा के इसको फिक्स कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।